नमस्कार, मैं हूं वरुण श्रीवास्तव और आज हम बात करने जा रहे हैं बी लाइव में जन की बात। जी हां, बी लाइव यानी बिलासपुर लाइव। इसमें हम आप आज का विषय है, क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया जाना संभव है? अगर संभव है तो कैसे? इसके पीछे के पूरे राजनीतिक घटनाक्रमों, गणित और समीकरणों को समझने के साथ ही साथ हम इसकी प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रिया को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेरे एक लेख से जो फेसबुक पर है, दीर्घतम विश्लेषण, भाजपा भूल जाए 370, संघ नहीं भूलता, ऐसे खत्म करने की है रणनीति। पढ़िए, धारा 370 पर हर जेहन में प्रश्न और जिज्ञासा संसर्ग अवस्था में पड़े हुए हैं। झटके से निषेचन चल रहा है परंतु फायरिंग नहीं हो पाती। तो चलिए ऐसे समझते हैं, क्या वास्तव में भाजपा सरकार धारा 370 खत्म करना चाहती है या सिर्फ डमडमा बजा रही है? दरअसल भाजपा अपने लक्ष्य से भटक सकती है पर संघ कभी नहीं, फिर वह सरकार में रहे या ना रहे। अखंड भारत का हिस्सा है कश्मीर का भारत गणराज्य में पूर्ण विलय, इसलिए होकर रहेगा। 2 साल पहले जम्मू में भाजपा पीडीपी के साथ गई, सीएम पीडीपी का, जबकि भाजपा 28 सीट, पीडीपी 26 सीट, क्यों? ये प्रश्न उठना लाजमी है। चलिए जवाब खोजते हैं। क्योंकि धारा 370 हटाने के लिए अव्वल प्रस्ताव कश्मीर की विधानसभा से आना जरूरी है, दूसरा वह लोकसभा में एक तिहाई बहुमत से पास हो, तीसरा राज्यसभा से भी पास हो, चौथा राष्ट्रपति अधिसूचित करें, पांचवा अब जब भारतीय गणराज्य का कश्मीर हिस्सा बन जाएगा तो चुनाव आयोग और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया के लिए फिर वही पूरी प्रक्रिया चाहिए, लोकसभा में इतना बहुमत, राज्यसभा में इतना बहुमत, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना, तब जाकर यह संभव है। यह तो हो गई प्रक्रिया। संघ इस दिशा में आगे बढ़ा है, तभी जो कश्मीर का मामला सौंपा गया है वो किसी भाजपाई को नहीं, संघी राम माधव को सौंपा गया। सईद साहब नहीं रहे क्योंकि उनकी एक बेटी डॉक्टर रूबी के का एक बार अपहरण की घटना हुई थी, जिसके बदले में सरकार ने कईयों आतंकवादियों को छोड़ा था। उस घटना के बाद से ही सईद जो थे अलगाववादियों से थोड़े से अलग हुए, थोड़ा सा उनका मनमुटाव हुआ और धीरे 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 वो करवटें मनी मन ले रहे थे। इसकी 2 वजह थी, एक तो अब्दुल्ला परिवार का जो दबदबा है जम्मू कश्मीर के अंदर 50 के दशक से, उसको खत्म करना, दूसरा मोहम्मद सईद साहब का बेटियों के प्रति अति प्रेम और पुत्र कोई उत्तराधिकारी ना होगा। बहरहाल उनके निधन के बाद महबूबा आई, महबूबा सरकार प्रस्ताव भेजने तैयार हैं, मगर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और 5 यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और फिर एक संविधान संशोधन, ये 4 प्रक्रियाओं के लिए मोदी सरकार अभी तैयार नहीं है। लोकसभा में वो पास कर सकती पर राज्यसभा में अटक जाएगा। राज्यसभा में जैसे तैसे करके अगर पास करा भी लिया तो राष्ट्रपति अधिसूचित करें, ये जरूरी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं, चलिए खोजते हैं जवाब। प्रस्ताव कश्मीर से आने से लेकर अधिसूचना तक का समय कम से कम होना चाहिए, क्योंकि पाक बौखलाकर युद्ध की घोषणा कर सकता है, चीन कॉरिडोर में खटाई पड़ेगा, चीन का जो कॉरिडोर है वो खटाई में पड़ेगा तो चीन पाक को समर्थन दे सकता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होगा, यूएनओ में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस भारत का साथ दे सकते हैं, लेकिन चीन वीटो करके कश्मीर मसला अंतर्राष्ट्रीय बनाकर इसे हमेशा के लिए बोरिया बंद कर देगा, इसलिए प्रक्रिया भारत को 5 से 7 दिन यानी मैक्सिमम 1 सप्ताह के भीतर निपटानी होगी। तब कैसे करेंगे? चलिए, अब भारत सरकार को चाहिए लोकसभा में बहुमत जो कि है, फिर राज्यसभा में बहुमत जो कि नहीं है। आप सोच रहे हैं होंगे कि बहुमत तो 2018 के सारे चुनाव ट्रेमेंडस भी जीतेगी भाजपा तो भी राज्यसभा में नहीं आने वाला, ठहरिए। अब सुनिए, सरकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने चाहती है, यह चुनाव जुलाई में है, चूंकि उपराष्ट्रपति इसलिए संविधान में यह पद है, दरअसल क्या है, उपराष्ट्रपति संविधान में यह पद है ही नहीं, यह दरअसल राज्यसभा का सभापति होता है, इसके पास उपराष्ट्रपति के रूप में एक गिलास पानी मंगवाने की शक्तियां भी नहीं होती, जो भी कुछ मिला है वह सभापति को मिला है। सरकार शीतकालीन सत्र में संभव है कि श्रीनगर में हो या जम्मू विधानसभा में हो, तब जम्मू से प्रस्ताव
मंगाएगी। अत्यावश्यक कहकर राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाएंगे, चूंकि उस समय तक राष्ट्रपति एनडीए के होंगे। संयुक्त सत्र बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, विशेष परिस्थितियों में संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। संयुक्त सत्र में हमेशा सरकार की जीत होती है। इसकी वजह ये है कि चूंकि लोकसभा में सीटें हैं 543 और राज्यसभा में सीटें हैं 238, लोकसभा में जिसका भी बहुमत होता है वो इसमें इसलिए आगे निकल जाता है क्योंकि राज्यसभा में भी उसकी कोई ना कोई सीटें तो होती ही है। जैसा कि मौजूदा में हम अगर देखते हैं तो लोकसभा में 543 सीटें, राज्यसभा में 238 सीटें, दोनों का कुल योग होता है 781। 781 सीटों में से जो बहुमत के लिए चाहिए वो 392 है, 392। अब बीजेपी के पास 326 लोकसभा में है और 95 राज्यसभा में है। ऐसे में ये कुल मिलाकर के हो जाती है 421। इस तरह संयुक्त सेशन जब आएगा, ज्वाइंट सेशन जब आएगा, तो इसमें ये मसला जो है पारित हो जाएगा। अब आप सोचिए कि उपराष्ट्रपति की क्या जरूरत, इसका भी एक लॉजिक है। इन केस इसलिए मान लीजिए हम फॉर्मूला 1 पर अगर वो नहीं सक्सेस होते तो उपराष्ट्रपति वाला जो रास्ता है वो फॉर्मूला 2 है। फॉर्मूला 2 मतलब ये कि कई राज्यसभा सदस्यों से बात हुई है, यानी करीब 30 से 35 राज्यसभा सदस्य चाहिए जो कि सामान्य प्रक्रिया से इसको निपटा सकते हैं, फिर संयुक्त सत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का सभापति, ये उसी स्थिति का, उसी रणनीति का हिस्सा है। अब सुनिए, तभी आपने देखा होगा साल 2012 से स्टोन पेल्टिंग हो रही, लेकिन अभी ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार सेना के मसले आ रहे हैं, बार बार स्टोन पेल्टिंग के मसले आ रहे हैं, बार बार जम्मू कश्मीर के वैसे वीडियो जारी हो रहे हैं, कभी सैनिक सैनिकों पर हमले के, तो कभी आम नागरिक को सैनिकों द्वारा गाड़ी पर बांधने की घटनाएं, फिर इस पर बयानबाजियां, बवाल, और फिर सब चीजें होती हैं। इसकी वजह है, इसके पीछे कारण है, सोचा है कभी? चलिए, दरअसल ये देश में एक कंसेंसस यानी लोकमत, लोक राय बनाने का एक हिस्सा है, ताकि 2019 से पहले 370 के लिए एक्चुअल एफर्ट सरकार लगाकर हार भी जाए तो राज्यसभा में तो लोग इतने क्रुद्ध हों विरोधियों से जो भी इसके खिलाफ वोटिंग करेंगे कि वो 400 के ऊपर सीटें नरेंद्र मोदी को 2019 में दे दें। साथ ही साथ इसी साल यानी 2019 में बिहार, कश्मीर, महाराष्ट्र, एपी, तेलंगाना, तमिल, बंगाल जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव है, यानी धारा 370 अगर कामयाबी करा पाते हैं, खत्म कराने में कामयाब होते हैं तो भी सही, और नहीं कामयाब होते हैं तो एफर्ट भी इसने काफी है कि वो एक झटके में मोदी सरकार को 2019 में बड़ी बढ़त और बड़ी जीत दिला सके। तो ये था धारा 370 के खत्म करने की प्रक्रिया और राजनीतिक गणित का पूरा हिसाब किताब। आप पढ़ते रहिए पत्रिका और ऑनलाइन, साथ ही अखबार पत्रिका। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ बी लाइव में। थैंक यू।